और बार बार ये लिंचिंग करने वाले जो लोग थे उनकी पहचान की गई, गौ रक्षक थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं तो कई बार झारखंड में मैंने ऐसे मामले देखे, बाहर भी देखे, जिसमें गौ रक्षक, गाय की रक्षा करने वाले लोग लिंचिंग के शिकार हो जाते हैं। एक नाम है आगरा, हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, वहां एक अरुण माहौर हुए, वो दलित समाज से आते थे, लेकिन ये दलित समाज से आना उनका परिचय नहीं था। उनका परिचय था कि वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के हर वर्ग के लिए हाथ बढ़ाते थे, हाथ बढ़ाने से पहले पूछते नहीं थे किस जाति के हो। और उनकी हत्या हुई, किन लोगों ने हत्या की, वो लोग जो गांव के हत्यारे थे, जिनका काम अरुण माहौर की वजह से रुक रहा था। लेकिन अरुण माहौर का नाम हमारे बीच में नहीं आता, और एक खास तरह की खबरें जब होती पूरे देश में, भारत इतना बड़ा देश है, वो खबर आ जाती है। दुनिया में लाखों मंदिर हैं जहां प्रवेश मिलता है, लेकिन तमिलनाडु के किसी एक गांव में कोई ऐसी एक खबर होती है, उसको पूरे देश में ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये मुख्य धारा की खबर हो। तो इस पूरी परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? आदरणीय पासवान जी, हमारे बड़े भाई राजकुमार जी और तमाम दोस्त, हमारा जो विषय है भारत दृष्टि, और शायद भूमिका आपने उसी के संदर्भ में रखी है मेरे सामने जी, लेकिन आप सवाल पे ही फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा सवाल का जवाब, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब इसी में है, भारतीय दृष्टि। भारतीय दृष्टि को मैं दो तरह से देखता हूँ। एक हमारे सामने है उदारवादी दृष्टि, जो हमारे वेदों से लेकर पूरे धर्मशास्त्र ग्रंथों में दिखाई देती है। और मैं धर्मशास्त्र को इसलिए कोर्स कर सकती हूँ क्योंकि मैं धर्मशास्त्र पढ़ाती हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ धर्मशास्त्र की। एक उदार दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है। अगर आप वेदों से ही शुरू करें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है हमारा, वो एक उदार हृदय भारत की पूरी स्थिति को दिखाता है। दूसरी है उसको देखने का दृष्टिकोण, जो आपकी बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ। उसको देखने का जो नज़रिया है हमारा, वो नज़रिया हमारे साहित्यों में, हमारे ग्रंथों में तो उदार दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धार्मिक एक कट्टरपंथी तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन धार्मिक आस्था ज़्यादा गहरी वाली आस्था, जो कहीं ना कहीं मतलब सच्चाई को भी देखने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सहिष्णुता कम दिखाती है। एक ऐसा भी एक पहलू हमारे सामने आता है। तो ये जो सवाल आपने किए बहुत टेढ़ा सवाल है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में मैं मुझे लगता नहीं देने में सक्षम हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगी कि तमाम जो परिस्थितियाँ बनती हैं उसके ऐतिहासिक संदर्भ होते हैं, उसके सामाजिक संदर्भ होते हैं, उसके मनोवैज्ञानिक संदर्भ होते हैं, उसके सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं, और इसके अलावा भी जो आचरण, जो हमारा धर्म भी जिसका दूसरा पहलू है, हम धर्म को आचरण के रूप में भी देखते हैं कि जो हमारा आचरण है वही धर्म। उदारवादी दृष्टिकोण यही है, हमारे शास्त्रों में यही है, हमारे वेदों में यही है, और हमें पढ़ाया भी यही जाता है स्कूल में। धर्म का अर्थ आचार से ही है। तो ये जो आचार व्यवहार का जो समस्या है, ये मुझे लगता है यहाँ पर आकर खड़ा हो गए। ये वाला आपने तो थोड़ा धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन यहाँ तो कुछ कोडिफाइड नहीं है। नहीं, कोडिफाइड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानसिकता हमारी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से है ना। हमारे मनोविज्ञान कहाँ से बन रहे हैं? कहीं ना कहीं उसी दृष्टिकोण से है। हमारी जो सांस्कृतिक जो वातावरण है हमारा, हमारा रहन सहन, हमारा आचरण, जिसको आप दूसरे शब्दों में धर्म कह सकते हैं, मैं उसको आचरण कहती हूँ, कहीं ना कहीं वो जो बुनकर बनती है। सामाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है मनुष्य को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मनुष्य जो समाज में रह रहा है, उस समाज की सांस्कृतिक एक जो बुनकर है, वो कहीं ना कहीं उसमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। यही वजह है कि ये घटनाएँ जो घटती हैं उसका प्रभाव समाज में। मेरा सवाल थोड़ा अलग था, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपसे कौशल जी, कि कुछ खास तरह की घटनाओं को बहुत ही मैग्नीफाइड ग्लास के साथ बहुत खास तरीके से दिखाया जाता है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, पत्रकारिता कुछ तो बहुत आप ध्यान से देखनी समझते हैं, भारतीय पत्रकारिता भारतीय टीवी चैनल, तो उसमें कुछ खबरों को लेके जो अप्रोच है बहुत सेलेक्टिव है। अरुण माहौर की जब हत्या होती, मैं आपको बताऊँ, मैं आगरा गया था और अरुण माहौर के परिवार के लोग ने मुझे बताया कि मायावती जी ने अपने पार्टी के लोगों को बोला कि अरुण माहौर के घर नहीं जाना है। क्यों? अरुण माहौर जी एक दलित समाज से आते हैं और मायावती एक आइकॉन है दलित समाज की, क्यों अरुण माहौर के घर नहीं जाना है? और उसी की पूरी तरह से हत्या होती है। ये भेदभाव क्यों? आपके साथ भी हुआ। मैं जो सबसे पहले जो शुरुआत की कि आप जब वहाँ जाती हैं, ऐसे बहुत सारे दलित लेखक थे, उन्होंने कहा कि हमारा नंबर अमीर खान ढूंढ रहे थे, कौशल जी का मिल गया।
ये जो अप्रोच है इस पर आपकी टिप्पणी चाहते हैं। नहीं देखिए, ये तो सच्चाई है और अगर हम इसको नजरअंदाज करेंगे करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं उसको ढक रहे होते हैं, उसको बाहर निकाल के उसका स्वच्छ जो एक बहस होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। हाँ, जो लेयर्स है उसमें एकदम उसी तरीके का कट्टरवाद है। आप इसको जाति के अंदर का जातिवाद भी कह सकते हैं। वो जाति के अंदर का जब जातिवाद व्यवहार में आता है वो उतना ही खतरनाक होता है, उतना ही दर्दनाक है जिस तरीके से हम जातिवाद के बाहर, जिसको हम गैर जातिवाद बोलेंगे या फिर मुख्य धारा का समाज बोलेंगे, जो उसमें दिखाई देता है। ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे समय के साथ साथ जो एक होता है ना, इसको हम रीसंस्कृताइजेशन कहेंगे एक तरह से मेरे अनुसार, कि हम लोग जो एक हमने बनाया हुआ है ढांचा, आज अगर मैं यहाँ हूँ तो ये बिल्कुल मैं अगर सत्य में जय, हालांकि मैं इसको इग्नोर करना चाहती थी ईमानदारी से स्वीकार करके, लेकिन आप इसको पूछना ही चाहते हैं बार बार फोकस करके और मुझे आप बचने नहीं देना चाहते, तो मैं ये स्वीकार करती हूँ कि लेयर्स के अंदर का जो जातिवाद है वो बहुत भयानक है। और असल मायने में ना आज हाशिए का जो समाज है वो हाशिए का समाज वही है जहाँ बंजारा कम्युनिटी आती है, जहाँ डेया कम्युनिटी आती है, जहाँ डोम कम्युनिटी आती है, जहाँ एक तरह से शमशान घाट में रहने वाले लोग आते हैं, जहाँ वाल्मीकि समाज आता है जिसको सो काल चूड़ा भंगी हेला बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये एक तरह से वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि जातिवाद तो ऐसा एक बना हुआ हमारे सामने मटका है जो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, और अगर मकान उठते उसके संगे थे तो उसका ना खिड़की ना दरवाजा। ठीक वो स्थिति हमारे उस जातिवाद में भी है, जिसको आप दलित कह सकते हैं, जिसको आप एससी कह सकते हैं, एसटी कह सकते हैं, विभिन्न जाति भी जिस तरीके से हम लोग फेस करते हैं। आप अगर अपने सत्य में जयते का उदाहरण लिया, ये आपने यहाँ का मुझे तो कई साल हो चुके हैं, 2012 से लेकर अब तक मैं यही सुनते आ रही हूँ कि आपको ही क्यों बुलाया गया। एक एज बीइंग ए वुमेन, जो आप नहीं कहना चाह रहे थे मैं वो भी कह देती हूँ, एक महिला होने के नाते एक दलित और उसमें भी ऐसे पायदान को, और फिर उसमें महिला, मतलब वो मैं उसको शब्दों में बता नहीं सकती। एक हमारे जाने माने प्रोफेसर है, राजकुमार फुलवारिया जी भी प्रोफेसर हैं, इनको जानबूझ के बताना चाहती हूँ, विशेषकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर है, रात को मुझे 12 बजे फ़ोन करके ये कहते हैं कि मुझे आमिर खान का नंबर चाहिए। मैंने कहा सर सुबह दे देंगे, कह रहे नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए। मैंने कहा सर मेरे पास तो डायरेक्ट फ़ोन नहीं है उनका, मेरे पास तो जब वो आया था तब आया था, उसके बाद जयराम जी मैंने ना उससे संपर्क करना, क्योंकि हमारी स्थितियाँ ऐसी है कि हीरो हीरो के चक्कर में मैं तो रहती नहीं, घर में टीवी था ही नहीं, ससुराल भाभी जब आई थी तब वो एक खिड़की वाला टीवी लेके आई थी, पहली बार टीवी में देखता था। हीरो हीरोइन का भी आइडल रहे नहीं, मेरे लिए आइडल मेरी माँ रही है हीरोइन, और मेरे बाप जो मैंने जिनको मैंने सफाई कर्मचारी काम करते हुए देखा है, जिनको मैंने मैला उठाते हुए देखा, वो मेरे लिए सबसे बड़े हीरो हैं। इसलिए मेरा कोई आमिर खान के साथ कोई हीरो हीरोइन टाइप और वो मैं लड़की हूँ इसलिए कोई ऐसा है, तो ये आप मैं उस समाज के तबके की बात कर रही हूँ जो विश्वविद्यालय में पढ़ा अनपढ़ आदमी नहीं है ना ही सामान्य आदमी, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया ठोस, और ये मेरी बात उस तक भी पहुँच रही है, मैं जानती हूँ वो यहाँ है। तो आप देखिए कि कैसे मतलब किस तरीके से कैसे किस किस रूप में जो शोषण की प्रक्रिया है ना, बेसिकली इसको देखने की जरूरत है, जो मनोविज्ञान काम करता है जातियों के अंदर ही, वो जातियों के अंदर जो मनोविज्ञान काम करता है वो जाति का तो है ही, एक महिला होने के नाते भी अलग तरह का मनोविज्ञान काम करता है। हमारे हरियाणा में, मैं हरियाणा से आती हूँ बेसिकली, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि गरीब की बेटी सबकी भाभी, और मैंने तो गरीब शब्द प्रयोग किया जानबूझ के, क्योंकि मैं उस भाषा का इस्तेमाल अपनी जुबान से कम नहीं करना चाहती। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इस तरीके की शब्दावली एक प्रोफेसर के मुँह से रात को वो भी बार बार फोन करके मांग रहा है तो कहाँ तक होगा ये, मतलब समझ सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि ये ठोस सच्चाई है, ये हम मैं तो अपने आप को, हालांकि मैं कभी जाति के रूप में जब बात करती हूँ तो बोल, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, उन्होंने हमेशा एक छाता दिया हमें दलित के नाम से जिसमें सारी जातियों का समावेश है, इसलिए हम कभी, मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से इस तरीके से कभी नहीं आती, आपने मुझे बातें की इसलिए मैंने इसके ऊपर बात की। ये काफ़ी अच्छा हुआ आपने सारी बातें कही, और मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, अगर कोई ये कहता है भारतीय समाज के अंदर कि कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई दुराचार नहीं हुआ, तो वो मक्कारी कर रहा है, एक बौद्धिक किस्म की मक्कारी है। और कौशल जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके आइडियल आमिर खान ना हो लेकिन आप इस देश की सैकड़ों लड़कियों के आइडियल हैं, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ। हमारे साथ फुलवारिया जी हैं, अब मैं अगला सवाल फुलवारिया जी से पूछना चाहूँगा। फुलवारिया जी,
मेरे एक कॉमरेड मित्र हैं और संयोगवश वो मुस्लिम भी हैं, ये दोनों संयोग बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति मुसलमान भी हो और कम्युनिस्ट भी हो, लेकिन वो है ऐसा। वो अक्सर भारतीय हिंदू समाज की बहुत सारी बातों से उनको बड़ी चिंता रहती है, उनको बहुत चिंता रहती है सीता जी को लेकर कि राम ने सीता को छोड़ दिया, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को चिंता रहती है मोदी जी को लेकर, मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो एक बार मैंने उनको कहा कि इस्लाम में मोहम्मद साहब जो थे वो तो सेक्स स्लेव रखते थे और उन्होंने 9 साल की बच्ची से शादी की, उन्होंने अपने से 15 साल की बड़ी उम्र की लड़की से भी शादी की, लेकिन वो तो ठीक है, वो बालिग लोगों की सहमति में कोई रिश्ता बनता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 9 साल की बच्ची से शादी करना ये ठीक है क्या? तो उनका ये कहना था, ये 1500 साल पुरानी बात है, उस समय का समाज ऐसा था। तो मैंने उनको दो बातें कही, एक तो ये कहा कि सीता जी तो जैसे आपके अम्मी की मित्र रही हो, सखी रही हो, और दूसरी बात मनुस्मृति को लेकर हमेशा बात होती है, तो मनुस्मृति तो ऐसा रहा कि परसों शाम को लिखा गया और प्रूफ रीडिंग के लिए आपको भेजा गया था, फिर आपकी ये सारी आपत्तियां हैं, तो वो थोड़े बौखला गए। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाहता हूँ, मनुस्मृति के लिए बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मनुस्मृति, आप सब लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि मनुस्मृति कोई किताब, मनु ने कोई किताब नहीं लिखी थी, वो सूत्र वाक्य थे, उसको इकट्ठा किया भृगु ने किताब लिखी, ये बहुत सारे कम्युनिस्टों को नहीं पता। तो इस परिप्रेक्ष्य में राजकुमार जी आज जो मनु की जैसी व्याख्या की जाती है, और वो शायद इसकी किया कि बाबा साहब के कंधे पे बंदूक रख के ये किया जाता है, जबकि बाबा साहब कभी नहीं कहते थे दिमाग बंद करके सोचा करो, और आज बाबा साहब रहते तो वो इस बात के लिए सहमति दे कि आओ मेरे साथ तर्क करो, वो तर्क के लिए कभी मना नहीं करते थे, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। आशीष जी, ये तथ्य है, आपने मनुस्मृति पर एक प्रश्न खड़ा किया है, निश्चित तौर पे बाबा साहब के अगर हम अध्ययन करें, ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति के कुछ पन्नों को जलाया। मेरा ये भी मानना है कि हम किसी भी समाज के साहित्य में जहाँ जाति व्यवस्था, उत्पीड़न, महिलाओं के बारे में हम उसको अस्वीकार करते हैं, उसका घोर निंदा भी करते हैं, अगर किसी ने कहा भी होगा, और मेरा ये कहना है कि मनुस्मृति को मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो इस भारतीय दृष्टि पर विरोध विचार रखने वाले, उन्होंने मनुस्मृति को जिंदा रखा, भारतीय समाज ने तो मनुस्मृति को कभी से विस्मृत कर दिया। आज यहाँ इस सभागार में बैठने वाले किसी भी व्यक्ति ने मनुस्मृति का फ्रंट पेज भी नहीं देखा होगा, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है विरोधियों ने इसको जिंदा रखा है, उसको जिंदा करने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे ये मानना चाहिए कि इस देश के अंदर जो प्राचीन, तो मैं बड़ा अच्छा लगा कि आज ये विषय का भारतीय दृष्टि, एक्चुअली वास्तव में ये चिंतन जो आज मंथन हो रहा है, ये वास्तव में ठीक दिशा में हो रहा है, और इसी मंथन से मुझे लगता है अमृत निकलेगा, क्योंकि अब तक इस देश में लगभग 200 साल से जो चिंतन चल रहा था, मंथन चल रहा था, अध्ययन चल रहा था, वो भारतीय दृष्टि से नहीं चल रहा था, वो पश्चिम की दृष्टि से चल रहा था, इसलिए उस मंथन से केवल विष निकलता था और विष के कारण विषमता रहती थी। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय दृष्टि के आधार पर अब चिंतन और अध्ययन और मंथन प्रारंभ हुआ है, तो मुझे लगता है कि अमृत निकलेगा। और इस भारतीय दृष्टि की जब बात करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि भारतीय दृष्टि को समझने के लिए भारतीय, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आज बड़े पत्रकार यहाँ समूह बैठे हैं, लेखक मंच बैठे हैं, भारतीय दर्शन कहा होगा, भारतीय दृष्टि कहा होगा, इसको भारतीय दृष्टि कहे, हिंदू दृष्टि कहे, सनातन दृष्टि कहे, प्राचीन दृष्टि कहे, कुछ भी कहे, लेकिन हम इसे आज भारतीय दृष्टि की बात करते, मुझे लगता है भारतीय दृष्टि के अनुसार इस भारत को समझने की आवश्यकता है। पिछले 200 सालों में हमने केवल पश्चिम के चश्मे को भारत को देखने का प्रयास किया, वो मेरा मानना है हम अगर भारतीय दृष्टि से इस भारत को समझेंगे तो हम भारत को, असली भारत को खोज पाएंगे, नहीं तो हम भारत को नहीं खोज पाएंगे, केवल इंडिया और इंडिया को ही ढूंढते रह पाएंगे, इंडिया और भारत अलग दिशा में है। और मेरा यह भी मानना है, जो अभी इन्होंने भी कहा, भारतीय दर्शन क्या है, भारतीय दृष्टि क्या है, भारतीय चिंतन क्या है, तो भारतीय चिंतन आज से 5000 साल पहले, जैसे कभी इन्होंने क्वेश्चन जी ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये भारतीय दर्शन है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसके प्रकटीकरण के अलग अलग विषय सकते हैं, इससे बड़ी विचार अभिव्यक्ति कहा होगी, ऋग्वेद में इसका चित्र है, इससे बड़ी विचार अभिव्यक्ति कहा हो सकती है, परोपकारम पुण्य पापानाम परपीडानाम, परोपकार से बड़ा कोई
पुण्य नहीं है और पर पीड़ना यानी अर्थात किसी को पीड़ा पहुंचाना चाहे वो मानसिक हो शारीरिक हो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये हमारे वेदों में वर्णित है। मुझे लगता है कि इस भारतीय दर्शन को और भारतीय चिंतन को और दूसरा मेरा ज्ञान इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आज 5000 साल पहले कहते अभी मैं सुन में लंका ना मैं लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि से सर्वदेवी करी थी यानी इस देश की भूमि मुझे स्वर्ग से भी प्यारी है। जब राम लंका को जीतते और लक्ष्मण कहते हैं कि हम इस पर यही रहते उन्होंने कहा नहीं लक्ष्मण ना मैं लक्ष्मण रोचते अभी मैं सुनवी लंका। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय दर्शन और भारतीय चिंतन इन 2 सालों में केवल और केवल हमने भारतीय दर्शन के उन पहलू को उठाने का प्रयास किया जो भारतीय दर्शन में कहीं छुपे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस भारतीय दृष्टि से भारत को समझने की आवश्यकता है। लक्ष्मण जी मेरा एक सवाल है आपसे कि आज का जो विषय है सवाल पूछना है सवाल में क्या